बिस्मिल्लामान रहीम हेलो फैशन डिजाइनर्स कैसे हैं आप सब अक्सर हमें सिलाई का सामान रखने में प्रॉब्लम होती है धागे रखते हैं तो वो उलझ जाते हैं और सिलाई करते टाइम सारा सामान इधर उधर हो जाता है तो एक ही बॉक्स में सारा सामान रख कर दिखाएंगे जी हाँ इसी बॉक्स में सिलाई का सारा सामान आ जाएगा ये मैंने एक बॉक्स लिया है ये बॉक्स मैंने बाजार से सत्तर रुपए का खरीदा है आपके कहने घर पर कोई भी डब्बा हो तो वो ले सकते हैं ये पट्टा लिया है मैंने इस पर लेस चढ़ी हुई थी वही पट्टा मैंने ले लिया है शादी के कार्ड भी ले सकते हैं उसका पेपर काफी हार्ड होता है और ये सबके पास होते भी हैं शादी के कार्ड अब इसको नाप लेंगे बॉक्स की जितनी गहराई है इस पट्टे को हमें थोड़ा छोटा रखना है ढाई इंच आ रहा है ये ढाई इंच का निशान लगाएंगे ढाई इंच यानी टू एंड हाफ ऐसे ही हमें ढाई इंच पे निशान लगा देना है इस निशान को सीधा कर देंगे इसी निशान पे कटिंग कर देंगे इसको रख कर देख लेंगे इसकी लंबाई हमें कितनी चाहिए है ये हमने निशान लगा दिया है इसी निशान पे कटिंग करेंगे ये हमने कटिंग तो कर ली है ये जो पीस हमने कट किए हैं इनकी चौड़ाई भी हमने ढाई इंच रखी है कटिंग करते टाइम बॉक्स के अंदर रख कर देख लें ताकि ये फिट आए ये ढीले नहीं होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट नाप होगा तभी ये ठीक से बैठेंगे बॉक्स के अंदर अब मैं इसको उल्टा भी कर दूंगी तो भी ये गिरेंगे नहीं ये बिल्कुल फिट आए हैं ये पेपर लिया है पेपर को पट्टे पर चढ़ा देना है ताकि अच्छी फिनिशिंग आए बस हमें गिलू लगाकर पेपर चिपका देना है सिलाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आपका अपना ही चैनल है कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैंने आप लोगों को नायरा कट कुर्ती बनाना सिखाया है और काफी फ्लावर बनाना भी सिखाए हैं। नायरा कट कुर्ती का लिंक और फ्लावर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो देख सकते हैं सारे पीसों को ऐसे ही पेपर लगाकर तैयार कर लेंगे सिलाई का सारा सामान एक ही बॉक्स में बड़ी ही आसानी से आएगा ये पीस हमने तैयार कर लिए हैं इन पीसों को बॉक्स में इस तरीके से फंसा देंगे हमने इन पीसों पे पेपर चढ़ाया है आप चाहें तो ना भी चढ़ाएं। पेपर चढ़ाने से काफी फिनिशिंग आएगी अब हम धागों को रख लेंगे आपके पास जितने भी धागे हैं आ जाएंगे इसमें और जो हमारे पास बॉक्स है उसमें हम और सिलाई का सामान रख देंगे जैसे कि इंची टेप हो गया चौक हो गई शिटिल और बॉबिन रखेंगे इसमें सिलाई का सारा सामान एक ही बॉक्स में आ जाएगा इधर उधर ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब बाकी का सामान भी इसमें रख देते हैं अभी इसमें काफी जगह है तो सिलाई का और भी सामान इसमें आ जाएगा है ना कितना अच्छा तरीका एक बॉक्स में सिलाई का सारा सामान रखने का अभी भी इस बॉक्स में काफी जगह बची हुई है इसमें और भी सामान रख सकते हैं